तो फ्रेंड आपका स्वागत है लनी टाइम में। आज हम बात करेंगे केपीएससी रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें 1265 वैकेंसी निकली है जो कि एई जेई स्टाफ नर्स पोस्ट इन पीडब्ल्यूडी में निकली है, उसके आयुष डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। इन सब की बात करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आपने मेरे चैनल लनी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल लनी टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। फ्रेंड बात करते हैं केपीएससी रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें आप 1265 वैकेंसी निकली है जो दे सकते हैं एई और जेई की वैकेंसी है आप दे सकते हैं, जो कि केपीएससी रिक्रूटमेंट 2020 है, जो कि कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है, जिसने आपने रिक्रूटमेंट निकाला है नोटिफिकेशन ग्रुप बी पोस्ट के लिए, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप सी पोस्ट जूनियर इंजीनियर अंडर पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट ग्रुप एक असिस्टेंट प्रोफेशनल मेडिकल ऑफिसर की आयुर्वेदा प्रोफेसर की वैकेंसी है। ग्रुप बी आप दे सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप सी स्टाफ नर्स एंड फार्मिस्ट की वैकेंसी निकली है, एक बम्पर भर्ती निकली है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इन सब की मैं आपको डिटेल बता दूंगा कब से किसकी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 17 अगस्त से आप किसकी पीडब्ल्यूडी की फॉर्म, 12 अगस्त से आयुष डिपार्टमेंट की, और लास्ट डेट इन सब की ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 सितंबर 2020 है, पीडब्ल्यूडी की 15 सितंबर 2020 है, ठीक है, आयुष डिपार्टमेंट की। और अब बात करते हैं, ये टोटल वैकेंसी हमारी 1265 है, जिसमें 660 वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की है, 330 वैकेंसी हमारे जूनियर इंजीनियर की है, पीडब्ल्यूडी की हमारी 225 वैकेंसी आयुष डिपार्टमेंट की है, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग अप्लाई फॉर केपीसी एई रिक्रूटमेंट शुड बी बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिग्री इन केपीसी जेई रिक्रूटमेंट डिप्लोमा इन कंसर्न फील्ड में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसके नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से दे सकते हैं। इसका एक्टिवेट होगा आप 17 अगस्त को, और इसका आपका यहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट का भी नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक एक्टिवेट होगा 12 अगस्त को, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की, आप दे सकते हैं इसकी डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17 अगस्त, लास्ट डेट है 16 सितंबर 2020, आयुष डिपार्टमेंट की 12 अगस्त 2020 से स्टार्टिंग है, आपकी लास्ट डेट है 15 सितंबर 2020, ठीक है। तो हमारी इस तरीके से वैकेंसी रहती है पीडब्ल्यूडी की। आपकी बात कर लेते हैं ग्रुप बी की असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 सिविल एच के 660 पोस्ट है, ग्रुप सी की जूनियर इंजीनियर की सिविल की एच के 330 पोस्ट है, आयुष डिपार्टमेंट की आप देख सकते हैं ग्रुप ए के आयुर्वेदा प्रोफेसर की 16 पोस्ट है, ग्रुप ए के असिस्टेंट प्रोफेसर की होम्योपैथी की 3, ग्रुप ए के मेडिकल ऑफिसर की आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथी नेचुरल थेरेपी एंड योगा की 11, ग्रुप ए बी की आयुर्वेदा असिस्टेंट प्रोफेसर की 37, ग्रुप बी असिस्टेंट प्रोफेसर की होम्योपैथी की 10, ग्रुप सी की स्टाफ नर्स की 23, ग्रुप सी की फार्मेसिस्ट की 76 वैकेंसी है। सैलरी दे सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की 43,000 से लेकर 83,000 तक, जूनियर इंजीनियर की आप 33,000 से लेकर 62,000 तक रहेगी। यहाँ पे आप तो ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की ग्रेड 1 की सिविल एच के मस्ट बी होल्डर डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियर कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या इंजीनियर सिविल इंजीनियर की प्लानिंग और सिविल इंजीनियर टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर मैनेजमेंट के आपको यहाँ पे दे सकते हैं, इन सब का आपका यहाँ पर आपका रिकॉग्नाइज डिग्री होनी चाहिए या फिर ठीक है डिप्लोमा सर्टिफिकेट ग्रांटेड इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग से होना चाहिए, ठीक है। पार्ट ए एंड बी एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं, जो कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियर का होना जरूरी है, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की थी वहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे डिप्लोमा के लिए आपको जूनियर इंजीनियर के डिप्लोमा सिविल इंजीनियर होना चाहिए जनरल। आयुर्वेदा प्रोफेसर की डिग्री एंड पीजी होना चाहिए आयुर्वेदा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे होम्योपैथी डिग्री एंड पीजी में होम्योपैथी होनी चाहिए, एमओ बीएमएस या बीयूएमएस बीएचएमएस या बीएनवाईएस होना चाहिए, स्टाफ नर्स की डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए, फार्मिस्ट की पीयूसी साइंस एंड डिप्लोमा फार्मेसी की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें पीडब्ल्यूडी की, यहाँ पे आप देखिए 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए, और जो भी आपकी कैटेगरीज वाइज है 2A, 2B, 3A, 3B 38 रहेंगी, फॉर कैटेगरी 1 फिजिकल हैंडीकैप की 40 रहेगी। यहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट की आपके 18 से 50 रहेगी, इसका आप तो और लिंक इसका नोटिफिकेशन पर आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल वालों की 600+35 रहेगी, 2A, 2B 300+35, एक्स मिलिट्री पर्सन की 50+35, एसटी वाले को कोई फी नहीं लगेगी। तो ये थी डिटेल जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल एनी टाइम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।